ଦିରାଜକ ଅଲଗା ଆମେ କହିପାରିବା କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପୁରା ପୁରୀ ଭରି ରହିଛି ସୁର ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଯେଉଁଠୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଠି ହିଁ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରାଯାଏ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ସେ ଉତ୍ତର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାଷାରେ ରଖନ୍ତି ସେ ଆଖି ଖୋଲିବା ଦିନରୁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି

आपका बहुत धन्यवाद अपनी चैनल पर बुलाने सर के मैंने जब आपको फॉलो किया जब जानने का कोशिश किया तो मुझे पता चला कि आप पैदा होते ही साहित्य के साथ जुड़े रहे <laughs> पैदा होते ही तो कोई नहीं जुड़ता कोई नहीं जुड़ता लेकिन स्कूल पहुंचते पहुंचते जाहिर है कि मैं साहित्य के साथ और साइंस के साथ बराबर से जुड़ा हुआ था तो मतलब कैसे बचपन से लोगों का मतलब का, मेरे पेरेंट्स जो थे वो इलाहाबाद से अलीगढ़ आ गए थे और वो फ्रीडम फाइटर थे दोनों मदर जी। अभी हैं और घर में हमारे दोनों चीजें एक साथ चल रही थी यानी मेरे फादर मैथमेटिक्स के टीचर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बड़े भाई फिजिक्स कर रहे थे दोनों बड़ी बहन केमिस्ट्री कर रही थी अच्छा। ये पूरा लैब तो, था में। हाँ मतलब एक <laughs> एक एक ऐसा माहौल था जिस माहौल में साइंस हवा के अंदर थी जी, जी, जी। हमारे आँख खोलने के साथ साथ साइंस हमारे जिंदगी का हिस्सा बन रही थी वो सारे सवाल जो जमाने में डिस्कस किए जाते थे या पढ़े जाते थे बात की जाती थी लेकिन उसके साथ साथ जितने भी पोएट्री uh, से रिलेटेड और कहानियों से और लिटरेचर से रिलेटेड जो माहौल था घर में रिसाले आते थे मैगजीन आती थी बहुत सारी किताबें थी हम किताबों के बीच में पल रहे थे बिल्कुल और यही माहौल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का था कि वहां पर साइंस भी थी और अगर आप करना चाहें ना करना चाहें तो नहीं थी आपके लिए और लिटरेचर भी था बड़े बड़े साहित्यकार आप किसी का भी उस जमाने में नाम लें जो रहा है नीरज तो अलीगढ़ में ही थे जी। बड़ा नाम है उनका जी जी जी। लेकिन बाकी इसमें चुख्ताई से लेकर के और जितने उस जमाने के नाम थे कहानीकारों के और अलग अलग जबानों के वो आ रहे थे और उसी के साथ साथ पॉलिटिकल लीडर्स लगातार हमारे घर आते थे पोइट्स तो वो मेरे ख्याल में आ, ऐसा माहौल था जिसमें दोनों चीजों में इंटरेस्ट हुआ और स्कूल के अंदर मैं दोनों एक तरफ साइंस क्लब का प्रेसिडेंट था और दूसरी तरफ जो कल्चरल क्लब था उसका प्रेसिडेंट था पोएट्री बहुत जल्दी याद होने लगी थी वर्ड्स के साथ जो खेलना होता है बिना समझे हुए भी okay. लेकिन वर्ड्स जो शब्द होते हैं उनकी ध्वनि में अगर आपस में वो मिलते हैं तो इंसानों की तरह से होते हैं मैं तो समझता हूं उनके मिलन की खूबसूरती जो थी वो बचपन से ही आ, बढ़ रही थी आपके सोचने का हिस्सा बन गई थी। सर एक उम्र होता है जो जवानी का उम्र होता है तब हर किसी को दिल में यही रहता है कि प्रेम कविता लिखे <laughs> लेकिन आपने थोड़ा हटके हमेशा कुछ अलग ही दिखाया अपने कविता के जरिए से नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरा अपनी कविताओं के बारे में बड़े जमाने तक ये मानना था कि कविताओं में हमारे यहाँ जितने बड़े पोइट्स हुए हैं जितने बड़े कवि हुए हैं खास तौर से कविताओं की बात कविताओं वो सब कुछ कह चुके तो मेरे पास था था जनरेशन का हिस्सा हूँ क्या <laughs> मेरे पास कहने के <laughs> और खास तौर से जो इसको हम लव पोएट्री कहते हैं जिसको हम दोनों तरह का लव यानी एक लव होता है जिसकी हम बात करते हैं इंसान इंसान के बीच में औरत मर्द के बीच में और दूसरा होता है खुदा है से या बड़े किसी चीज से मातृभूमि के लिए होता है इन सारी चीजों में हमारे पूर्वजों ने कुछ छोड़ा नहीं तो आ, मैं ज्यादातर अपने लिए कहता था अच्छा लेकिन मुझे फैज अहमद फैज गालिब दाग दहलवी हमारे साहिर लुद्यानवी जोश मलियाबादी, जो उर्दू के पोइट्स थे और कुछ हिंदी के पोइट्स जैसे बाबा नागार्जुन बड़ा नाम है उनका बहुत ये लोग याद हो गए थे पूरी तरह से मतलब आज भी मैं आपको दो घंटे ढाई घंटे तो इनमें से किसी की मुंह जबानी सुना सकता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है किताबों की जरूरत किताबों की जरूरत नहीं तो ये याद हो गए थे बहुत जल्दी जिसका मतलब ये था कि अपनी शायरी के बारे में मेरा कोई बहुत ऊंचा कभी हो नहीं रहा है ये लोग सब कह चुके हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ कह चुके हैं लेकिन ये कि अगर मुझे बहुत कोई चीज दिल को छूती थी कोई चीज डिस्टर्ब करती थी किसी चीज से मैं परेशान हो जाता था तो मेरे लिए सबसे अच्छा मीडियम ये था कि मैं अपनी कुछ लिख दू भावना कुछ लिख दू उसमें फिर उसके बाद कुछ लोगों ने पढ़ना शुरू किया कभी छोटे महफिल में किसी सर आपकी कविता थी जज्बो की लॉ से मैं चाहता हूं ये कविता बड़ी फेमस हुई थी हर किसी की जुबानी हो गई थी क्या आपके जुबान में वो अभी भी है आ, जाहिर है कि याद हैं अपनी कविताएं है, कुछ अपनी कविताएं वैसे कम याद है तो की आदत <laughs> होती है जो अपने कविता बहुत कम याद, हैं। लेकिन और ये तो याद को बहुत है मैं चाहता हूँ इसको बहुत अप्रीशियट किया गया असल में इसका इंट्रोडक्शन जो है वो कविता का हिस्सा है तो मैं हमेशा वहीं से शुरू करता हूँ एक नौजवान लड़का आपकी तरह का एक मुशायरे के बाद आया और उसने कहा कि आपकी कविताओं में इतना खून खराबा है Uh, कुछ आप अच्छी कविता नहीं कह सकते <laughs> किसी की आंखों के बारे में किसी के जुल्फों के बारे में, किस, खिलते, के के बारे में। <laughs> खिलते फूलों के बारे में उगते सूरज के बारे में आप नहीं कह सकते तो उसको तो उस वक्त चुप कर दिया मैंने कुछ इधर उधर की बातें करके लेकिन उसकी बात दिल को लग गई तो उसी को लिखी थी ये जब जब लिखी थी तो आ, मैं प्लेन में था और दिल्ली पहुंचते पहुंचते कविता पूरी हो चुकी थी तो सबसे पहले मैंने उसी को ही लिख के भेजी अच्छा आ, इंटरनेट के ऊपर क्योंकि उसने अपना ई एड्रेस दिया था मुझे तो सुन लीजिए मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूं कि पर्वत पे एक नज्म लिखू एक ऐसी नज्म जो पहले कभी लिखी न गई मैं चाहता हूं कि झरनों का बांकपन लिख दू ये चाहता हूं कि कागज पे काले लफ्जों से करूं मैं सप्त किसी शाम का तमाम सहर सहर कहते हैं जादू को करूं मैं सप्त किसी शाम का तमाम सहर धनक के रंग से खेलूं लिखूं के कुदरत ने मेरे कलम के लिए ही रचे हैं राज ये सब मैं चाहता हूं किसी शाम बैठूं फुर्सत से वो शाम ऐसी हो जिस पर गुमा हो सुबह का मैं तेरी आंखों की जुल्फों की तेरे होटों की तेरे बदन की तेरे पैरहन की बात करूं, कोई ख्याल ना हो बस ख्याल हो तेरा कोई ख्याल ना हो बस ख्याल हो तेरा तेरे ख्याल में भीगी हुई हो सारी फजा मैं चाहता हूं कि सर्दी की एक सुबह हो मेरी बयाज बयाज उसको कहते हैं जिसमें हम कविताएं लिखते हैं उस अच्छा। कॉपी को बयाज कहते हैं लोहो कलम कहते हैं दावा को और पेन को पॉटर डुबो डुबो के डुबो डुबो के लिखने के लिए मेरी बयाज मेरे पास हो, हो लोहो कलम मेरे करीब हो बरगद का पेड़ जो मुझसे जमाना पहले ये सरगोशियों में कहता था बचा के रखना ये उम्मीद और ये भोलापन वो सारी राज की बातें मैं हु बहू लिख दू मैं चाहता हूं कि कोहरे की एक चादर हो मैं अपनी आंखों में आंसू लिए वहां जाऊं जहां पे छोड़ के आया था अपने बचपन को कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूं जो रिश्ते छूट गए और कभी न लौटेंगे मैं कड़वे नीम के नीचे बनाऊ एक क्यारी मैं नन्हे हाथों से पौधे लगाऊ फूलों के बाहर आए तो सब बांट दू समाने में मैं चाहता हूं मगर मैं चाहता हूं मगर फुर्सते सुखन तो मिले मैं चाहता हूं मगर तीरा शाम गम तो ढले ये आग खून की बारिश या आंसुओं की छड़ी कदम कदम पे ये नफरत का सरबलंद जुनून हकीकतें के जो बिखरी है मेरे चारों तरफ हकीकतें के जो बिखरी है मेरे चारों तरफ ये चार रोज की मोहलत तो दे मुझे हम तम हकीकतें के जो बिखरी है मेरे चारों तरफ ये चार रोज की मोहलत तो दे मुझे हम तम कहीं तो शम जले और कहे कि फुर्सत है लिखो वो नज्म जो पहले कभी लिखी न गई लिखो वो नज्म जो पहले कभी लिखी न गई क्या बात है पूरा एकदम स्टंट कर दे रहे कविता माध्यम और निहती तो कम्युनिकेशन और मीडिया से उसका जुड़ाव मेरा हमेशा से रहा है मैं समझता हूं कि आज का मीडिया हमें उम्मीद थी कि प्राइवेटाइजेशन के साथ मीडिया को और आजादी मिल जाएगी लेकिन मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान में 800 चैनल्स होने के बावजूद 3000 से ज्यादा ऊपर मैगजीन्स के बावजूद मीडिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा जकड़ में आता चला गया है हमारे मुल्क पे एक बहुत बुरा वक्त पड़ा था जिसको हम इमरजेंसी के नाम से याद करते हैं जब मीडिया के ऊपर एकदम अंकुश लग गया था लेकिन उस वक्त का मीडिया अगर देखें और आज भी हम लाइब्रेरीज में जाके उन अखबारों को देख सकते हैं तो यह मालूम था कि मीडिया के ऊपर अंकुश जो लगा है वो टॉप से लगा है अखबार उस वक्त एक आर्टिकल छापते थे और जब उस आर्टिकल को कहा जाता था कि आप नहीं छाप सकते हैं तो उसको ब्लैक इंक्स कर देते थे तो रीडर को यह पता लग जाता था कि यहां पर अखबार ने कोई प्रोटेस्ट छापा है लेकिन वो प्रोटेस्ट परमिटेड नहीं है तो ये ब्लैक है ये एक तरीका निकाल लिया था उस वक्त जी अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने का ये अपना भी तरीका हो गया ये, ये, ये अपने भी अंदर तरीका एक तरीका कम्युनिकेशन का था और जो बड़ा इफेक्टिव था लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था इमरजेंसी के खिलाफ आज बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है जो पावर्स हैं वो ये डायरेक्टली नहीं कह रही हैं या डायरेक्टली कह रही होंगी शायद कि आप ये स्टोरी मत छापिए वो स्टोरी मत अपनी चैनल पे दिखाइए मीडिया खुद लेटने के लिए तैयार है वो ऐसा कोई प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहा कि जिससे अभिव्यक्ति की आजादी जो मिली हुई हमें कॉन्स्टिट्यूशन से उसके साथ वो खड़ा हुआ दिखाई दे मैं समझता हूं कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया जो है उससे जो उम्मीदें थी वो एकदम से पानी में चली गई हैं हमारी इस दौर में पर ऐसा नहीं है कि दीप नहीं जल रहे हैं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे एंकर ऐसे हैं जो ये दीप जला रहे हैं मैं जानता हूं कि बहुत सारी चैनल्स ऐसी हैं इन 800 चैनल्स में से जो अभी भी अपने पैरों पे खड़ी हैं और वो अपना प्रोटेस्ट पूरी तरह से दर्ज करा रही हैं जो कुछ समाज में हो रहा है उसको लेकर के मुझे एक चीज से बहुत परेशानी आजकल हो रही है मीडिया की और वो ये है कि मीडिया जरूरत से ज्यादा वायलेंट हो गया है हिंसक हो गया है मीडिया अपने अंदर इस वक्त हिंसक है अगर मैं स्टोरीज देखता हूं कभी कभी चैनल मैं टेलीविजन नहीं देखता मेरे घर में टेलीविजन नहीं है बेटी के कमरे में एक लगा हुआ है हम नहीं देखते और पिछले 20-25 साल से नहीं देख रहे हैं। पर जब भी मैं कभी देखता हूं कहीं बाहर हूं किसी होटल में हूं या कहीं हूं तो चला के देख मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया खुद समाज के अंदर अगर उनको मौका मिले तो फौरन इतनी हिंसा करा दें कि सब एक दूसरे का गला काटने लगे जी चाहे वो घर की स्टोरीज हो या बाहर की <laughs> या वो न्यूज हो जी ऐसा लगता है जैसे कि कश्मीर का इश्यू अभी सॉल्व करना जरूरी है उन पंद्रह मिनट के अंदर उस आधे घंटे के अंदर जिस जिसमें वो प्रोग्राम चल रहा है जी जी। और उसमें वो ये चाहते हैं कि अगर एक्सपर्ट भी आए हैं तो वो एक दूसरे का गला काटते हैं जी। <laughs> बहुत बार ऐसा <laughs> देखने को मिला बहुत मिलाने को मिला टॉपिक के ऊपर ना आ जाएगा अपने अपने ऊपर पे डिस्कशन कर रहे हैं exactly. और ये मारधार के ऊपर चला गया है तो मेरा मैं इसको मीडिया का हिंसक होना कहता हूं मीडिया और किसी तरह से हिंसक नहीं हो सकता इस तरह से हो सकता है और वो ये चाहता है शायद कि समाज इतना ज्यादा हिंसक हो जाए इस हद तक हिंसक हो जाए समाज कि हम एक दूसरे की शक्ल ना देखें, एक दूसरे को नफरत से देखें और एक दूसरे का गला काटने के ऊपर रहे। समझता हूँ ये बहुत बुरा ट्रेंड है हमारे मुल्क के लिए एक ऐसे मुल्क के लिए जिसकी एक छवि थी पूरी दुनिया में कि वो सोने की चिड़िया अहिंसा में यकीन रखता है एक ऐसा मुल्क जहाँ हम ये कहते थे कि हम दुनिया में हिंसा के जंग के खिलाफ हैं हमारा पंचशील का जो कविताओं में जहां भी मैं बात कर रहा हूँ वो उसी ख्वाब से रिलेटेड है वो उस ख्वाब से रिलेटेड है जहां हर बच्चे को एजुकेशन मिल पाएगी जहां हर आदमी के छत के ऊपर एक छत होगी उसके सर के ऊपर एक रोजगार होगा उसके लिए और वो वो करना चाहेगा जो वो करना चाहता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा समाज उसको ढकेल दे कि तुम्हें ही बनना है तुम्हें इंजीनियर ही बनना है या तुमको मैनेजर ही बनना है और तुमको खूब सारे पैसे कमाने ये चिंता अगर समाज के अंदर से खत्म हो जाए तो मैं समझता हूं एक बेहतर दुनिया हम बना सकते हैं और मेरी सारी कविताएं उसी दुनिया ये जो के चिंता लिए। के बारे में बताया आप एक बार कभी और भगत सिंह ने इसी के लिए जान दी थी जी जी जी, जी।, जी। हम में से ज्यादातर नहीं जानते हैं कि उसके क्या ख्वाब थे क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है पर भगत सिंह लगातार हिंसा को बुरा कह रहे थे तो आपने एक डॉक्यूमेंट्री इसके एक बारे में भी बनाया था इंकलाब के बारे में एक बनाया था कभी आपने इनटॉलरेंस के बारे में भी कुछ बताया था लगातार मैं इनटॉलरेंस की बात करता हूँ आपको लगता है भारत में इनटॉलरेंस है बहुत तेजी से बढ़ रही मुझे सिर्फ ये नहीं लगता कि है हर समाज में और इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए कहने में कि हर समाज के अंदर एक हमेशा तबका और सोच रहा है जो हिंसक रहा है वो हमारे समाज में भी है अगर मैं दलितों की बात करूं तो जाहिर है कि हमारा समाज बहुत हिंसक रहा है उनकी तरफ अनटचेबिलिटी जिस समाज के अंदर हो उस समाज को यह नहीं कहा जा सकता कि वो टॉलरेंट समाज है तो एक लेवल के ऊपर हम बहुत इनटॉलरेंट रहे हमें मालूम है कि जब देश का बंटवारा हुआ तो तकरीबन ढाई करोड़ लोग इधर से उधर गए दस लाख के करीब इंसानों को हमने कत्ल कर दिया खत्म कर दिया तो ऐसे समाज को हम ये नहीं कह सकते कि वो इनटॉलरेंट नहीं है हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा है एक ऐसी सोच है जो बहुत इनटॉलरेंट सोच है लेकिन उसके साथ साथ गांधी मौजूद है गौतम मौजूद है हमारे यहाँ हमारे यहाँ नानक मौजूद है हमारे यहाँ रविदास मौजूद है हमारे यहाँ कबीर मौजूद है ये वो लोग हैं जो कि हिंसा के खिलाफ खड़े हुए हैं और इतनी मजबूती के साथ हिंसा के खिलाफ खड़े हुए हैं इंटॉलरेंस के खिलाफ खड़े हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे के साथ खाली टॉलरेट नहीं करना चाहिए बल्कि जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए उसका जश्न मनाना चाहिए कि और कोई दुनिया में शायद देश है ही नहीं जिसमें इतनी डाइवर्सिटी हो और कोई ऐसी शायद सभ्यता नहीं है कि जिसमें मैं नास्तिक हूं तब भी इसी सभ्यता का हिस्सा हूं क्या है? मैं आस्तिक हूं तब भी इस इसी सभ्यता इसी सभ्यता का हिस्सा हूं मैं अगर शिव को पूछता हूं तो भी इसी सभ्यता का हिस्सा हूं विष्णु को पूछता हूं तो भी अल्लाह को मानता हूं तब भी और जीसस को मानता हूं तब भी ये टॉलरेंस इसी समाज के अंदर है जिस समाज के अंदर हमने दलितों को दबा के रखा औरतों को दबा के रखा तो एक तरफ हमें वो देखना होगा ताकि हम उसको खत्म कर सकें अगर हम यही कहते रहेंगे कि नहीं हमारा समाज तो बहुत टॉलरेंट समाज है इसमें कोई बुराई नहीं है तो बुराइयां खत्म नहीं कर पाएंगे तो मैं हूं कि हमें ये सोचने की जरूरत है कि कौन सी चीजें हमें टॉलरेंस की तरफ ले जाती हैं, अहिंसा की तरफ ले आ गया जाती हैं। सोचने समय आ गया है जो और के चैनल के लगातार वो बचता रहा लगातार आपको वो देशद्रोही देशद्रोही कहता so रहा इसका मेरा इसका ख्याल ये है कि दो एक चैनल हैं जिनको हमें देशद्रोही कहना चाहिए क्या बात है? मैं इसलिए कहता हूँ ये बात कि हमारे देश में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत खूबसूरत किताब है वो किताब कहती है कि साइंटिफिक टेम्पर फैलाना लोगों तक पहुंचाना वो हर नागरिक की ड्यूटी है दायित्व है उसका और वो चैनल्स नहीं करती ये वो साइंटिफिक टेंपर के खिलाफ चलती हैं तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं, न कहीं, आप कहीं पे आँटी आँटी ना कहीं कहीं उल्टा आंटी ने थोड़ा उल्टा पता कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही अपने अंदर तो ये कविता थी एक धर्म में वतन परस्ती क्या क्या स्वांग रचाएगी मसली कलियां उजड़ा गुलशन जर्द खिजा दिखलाएगी यूरोप जिस वहशत से अब तक सहमा सहमा रहता है खतरा है वो वहशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है अंधी वतन परस्ती हमको उस रस्ते ले जाएगी जो हमारा अंधा नेशनलिज्म होता है वो जर्मनी की तरह से जो कुछ खून खराबा वहां हुआ जिस तरह आया वो हो सकता है किसी भी मुल्क में हो सकता है और मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारे देश में हमारे जैसे लोगों ने आपके जैसे लोगों ने डेमोक्रेसी बनाई है और बचा के रखी है इसका कोई नेचुरल रीजन या रिलीजियस रीजन नहीं जी। तो हमें ही बचा के रखनी है आगे भी जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है अंधी वतन परस्ती तुमको उस रस्ते ले जाएगी अंधे कुएं में छूट की नाव तेज चली थी मान लिया लेकिन बाहर रोशन दुनिया तुमसे सच बुलवाएगी और इस शेर पे सबसे ज्यादा खफा हुए थे लोग लेकिन ये तो ज्यादातर तो देश प्रेम के ऊपर ही लगता है देश जी, लेकिन का आ, क्यों दिया अगले दो तीन जो हैं शेर उसके ऊपर सबसे ज्यादा खफा हुए थे अच्छा जी है तो देश जी, प्रेम ही मेरी तरफ से फनकारों से पूछ रहे हो कलाकारों से, जी, जी, okay. से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान पूछो कितने चुप बैठे हैं शर्म उन्हें कब आएगी ये मत खाओ वो मत पहनो इश्क तो बिल्कुल करना मत okay. देशद्रोह की छाप तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी ये शेर जो थे ये, ये, इससे पंक्तिया, उनको ये जो। पंक्तियां बहुत परेशान कर रही थी कि ये क्यों ऐसी बात कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो लगातार ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आपके कपड़ों के ऊपर आपके खाने के ऊपर आपके बोलने के अंदाज के ऊपर के लिखने के ऊपर तो मैं समझता उनको परेशान करने वाला शेर है उनकी समझ में आ गया आपको ऐसे लगता है वो तो भी इस तरह का ही ज्यादातर लिखते थे दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है कुछ भी तो वो जैसे अंडरग्राउंड हो गए थे उनको बचा के रखा जाता कभी ऐसा लगा कि मेरे लिखे हुए कविता उनसे कुछ मिलते जुलते हैं या फिर कोई कंपैरिजन आपको मुझे ये तो नहीं लगा लेकिन ये जब एक उस चैनल ने जो भी करना था वो किया तो उसके बाद जिंदगी में परेशानी जरूर खड़ी हो गई थी एक डेढ़ महीने के लिए के, आना जाना हाँ आना जाना थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हो गया था आ, मेरी बीवी सफर हाशमी को खो चुकी थी उनके भाई थे वो Uh, तो उसके बाद वो परेशान बहुत हो गई थी कि कहीं अटैक ना हो उससे पहले कलबर्गी के ऊपर अटैक हुआ था आ, कुछ ही दिन पहले उनको मार दिया गया जी, था तो वो गाना, गाना लिखने के बाद वो भी अंडरग्राउंड हो गए थे उनको भी के रखना रखा गया था छुपा के रखना ऐसा तो तो, कुछ हुआ था आपके साथ तो मुझे एक महीने तक डेफिनेटली Uh, ने अकेले नहीं जाने दिया कहीं ना कहीं नजरबंदी हाँ। थे नजरबंदी थी एक लेवल के ऊपर थी मेरा मानना यह है कि जो मेरे ऊपर अटैक उस वक्त था वो मेरे ऊपर नहीं था अटैक वो अटैक था हमारे यहाँ जो परंपरा है मुशायरे की और कवि सम्मेलनों की वो है वो एक ऐसी परंपरा है जहाँ हम सत्ताधारी लोगों के खिलाफ सत्ताधारी जो जातियां हैं हमारे यहां उनके खिलाफ खड़े रहने की बोलने की और आजादी के साथ बोलने की परंपराएं हैं ये और ये बड़ी स्ट्रांग परंपराएं हैं मैं समझता हूं इसके ऊपर था तो मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि ह्यूमैनिटी एक खूबसूरत एक्सपेरिमेंट कर रही है मानवता हमारे देश में एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट कर रही है डेमोक्रेसी को कायम रख के पिछले सत्तर साल इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब होना चाहिए तो तो आपको लगता है आज नहीं तो कल ये ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होगी मेरे ख्याल में अब तक कामयाब रहा है हमारे यहाँ बड़ी मजबूत डेमोक्रेसी रही है पर उसके ऊपर हमला भी आज बहुत बड़ा है वो ये चाहता है कि जब भी कोई कदम उठाए तो दस बार सोच के घर से निकले कि उसे कहा जाना है किधर जाना है लोग सहम सहम के जिए समाज के अंदर ये मानसिकता ऐसी मानसिकता है जिसके खिलाफ खास तौर से आपकी जेनरेशन को जी सर तो सीधा सो की जेनरेशन की बड़ी जिम्मेदारी है इस बिल्कुल बचाए सिनेमा के बारे में आप क्या बताएंगे जब आप खुद ही टीवी नहीं देखते पच्चीस साल से तो सिनेमा तो क्यों सिनेमा बारे? देखता हूँ सिनेमा देखते हैं कौन से कोई भी पैट्रोटाइप पैट्रोटिक सिनेमा देखना ज्यादा पसंद है मैं हर तरह का सिनेमा देखता हूं जैसे हर तरह की किताब पढ़ता हूं अच्छा मैं बहुत खराब किताबों से लेकर के और बहुत मुश्किल किताबों तक पढ़ता हूँ मुश्किल किताबें वैसे भी पढ़नी पड़ती हैं जब आप रिसर्च करते हैं <laughs> पढ़नी ही पड़ती हैं आपने जो फिल्म बनाई थी वो बनाने की क्यों वो उम्मीद जगी आपके अंदर से सलाम इंडिया सी, पहले तो शुरुआत में मैंने जब जैसे ही ये मीडिया आपको लगा क्या मेरे जो साहित्य है मेरे जो लिखाई है जो शायर शायरी है उसी के जरिए मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं कम से कम फिल्म बनाऊं तो फिल्म के जरिए मैं पहुंच सकूं आज के जो जनरेशन के अंदर नहीं मेरा ख्याल ये है कि हर मीडियम को यूज करना चाहिए ये मैं हमेशा से मेरी समझ रही और यह नया मीडियम आया था एटीज में जिसको हम वीडियो कहते हैं तो मैं चाहता था यह कि फौरन ही इसको सीख करके खुद और इसको इस्तेमाल किया जाए साइंस और साइंटिफिक टेम्पर फैलाने के लिए तो शुरुआत में जो ज्यादातर फिल्में बनाई मैंने सबसे पहली थी वो वायरस के ऊपर कंप्यूटर कौ? वायरस नया नया आया था, न्याने न्याने आया था। तो उसको एक्सप्लेन करते हुए वो फिल्म बनाई थी वो पहली फिल्म थी मेरी तभी तो ऐसा नहीं लगा कि फुल फ्लेजेड जैसे कमर्शियल मूवी बॉलीवुड मूवी जिसको हम टैग देते हैं तो so, इसका कुछ बनाने का प्लानिंग नहीं एक तो फिल्म बड़ा महंगा मीडियम है आज भी बहुत पैसे चाहिए <laughs> होते हैं उसके लिए तो वो नौकरी की वजह से जाहिर है कि उसके लिए वक्त नहीं दो इवर इन उड़ीसा राइट नाउ एंड उड़ीसा में है सो उड़िया साहित्य को लेके क्या आपकी टिप्पणी है मेरा समझना यह है कि हमारे यहाँ आजादी के बाद उर्दू हिंदी का नॉर्थ में झगड़ा जो है वो बहुत उसने नुकसान पहुंचाया है और हमारे उड़िया लिटरेचर हो बंगाली लिटरेचर हो या अवधि लिटरेचर हो आ, या और जो हमारी जबाने थी कलोकियल जबाने थी उनको बड़ा नुकसान पहुंचा क्योंकि ये दो आपस में भिड़ गए और उनको नजरअंदाज किया गया अगर ये लैंग्वेजेस भी अपनी नजरें उड़िया की तरफ करती अपनी नजरें बंगाली की तरफ करती अपनी नजरें उन कलोकियल लैंग्वेजेस की तरफ करती तो ये ज्यादा दौलत कमा पाती क्योंकि इन जगहों के ऊपर असल में दौलत थी जी जी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये खनिज पदार्थों की दौलत है यहां पर जी जी। यहां पर दिमागों की यहां पर ब्यूटी की यहां पर नई नई इमेजेस की दौलत भरी, भरी पड़ी, है। भरी, पड़ी। है। भरी पड़ी मेरा ख्याल ओडिया लिटरेचर के बारे में भी यही है कि वो नेशनल लेवल के ऊपर उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो मिलना चाहिए उड़िया लिटरेचर खास तौर से आ, ट्राइबल लिटरेचर जो है वो बहुत ही रिच लिटरेचर है और वहीं से निकल करके हमारा बाकी जो ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज है उसका लिटरेचर आता है बहुत बड़े नाम हैं लेकिन उनको रिकॉग्निशन वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था सर आ, जब जाने का समय हो गया तो जाते जाते एक पंक्ति आपके मुंह से आ, ये कविता जल्यान वाला बाग के ऊपर लिखी थी और आ, आ, इस कविता में मुझे लगा के जो 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 कुछ पुराना जमाना खूबसूरत हमारे देश में गुजर चुका वो क्या कभी वापस आएगा या नहीं तो इसकी शुरुआत की कुछ पंक्तियां और आखिर की पंक्तियां सुना देता हूँ थोड़ी लंबी है कविता कभी तो स्वर्ग झुक के पूछता ही होगा है फलक ये कैसी सरजमीन है ये कौन लोग थे यहाँ जो जिंदगी की बाजियों को जीतने की चाह में लुटा रहे थे बेझिझक लहू की सब अशरफिया यहाँ लहू लहू के रंग में आया था किस तरह न सब्ज था न केसरी न था सलीब का निशान न थी खुदा की रहमतें न स्वर्ग का सवाल था मसीहो गौतम हो रसूल कृष्ण कोई भी नहीं कि जिसके नाम जाम पी के मस्त हो गए हो सब ये कौन सी शराब थी कि जिसका ये सुरूर था ये किस तरह की मस्तियों में इस कदर गुरूर था ये शुरू की पंक्तियां हैं जो जिसमें सवाल उठा रहा हूँ कि धर्म की लड़ाई नहीं थी और फिर भी सब इकट्ठा थे एक ही जगह पे थे मरने के लिए तैयार थे आखिर की पंक्तियां हैं मुझे यकीन है कि फिर यही इसी मकाम से उठेगा हश्र जी उठेंगे सारे नरम ख्वाब फिर बराबरी का सब जुनू सिमट के फिर से आएगा बिखेर देगी जिंदगी की हीर अपनी जुल्फ को यहीं से उठेगी सदा कि खुद पे तू यकीन कर यहीं से जुल्म की कड़ी पे पहला वार आएगा यहीं से जुल्म की कड़ी पे पहला वार आएगा बहुत बहुत खूबसूरत मेरे रोटे खड़े हो गए बस <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने हमें समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपको बहुत शुक्रिया मुझे बुलाया